हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वनसन गाइस, मेरा नाम है आशीष जायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एज़ पर योर रिक्वेस्ट हम ये वीडियो इस टाइम पे अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चीज़ जो नई होती है, वो इस बार हुई है महाराष्ट्र के बी एस नर्सिंग एडमिशन में, दैट इज़ लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स। भाई साहब, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। अब नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में अगर आप अच्छे से देख लो तो सारे के सारे स्टूडेंट्स EWS हैं, सारे के सारे कैंडिडेट्स EWS है और इन टोटल 91 स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे EWS कैटेगरी है। और अगर आप देखो ना तो रिमार्क जो है HSC PCB परसेंट बिलो 45, यहाँ पे मैं जूम करके आपको बताता हूँ क्या दिया है, HSC PCB परसेंट बिलो 45। तो अब ये CET को याद आ रहा है कि इनका, इन कैंडिडेट्स का परसेंट PCB परसेंट बिलो 45 है। अब कुछ स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स के मुझे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कॉल बुक्स के थ्रू, कॉल बुकिंग के थ्रू, कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों गलत दिखा रहा है। और उन्होंने CET सेल को भी कॉल किया और वहाँ पे फिर पता चला कि एलिजिबल नहीं हो गया, या फिर कॉलेजेस में उन्होंने ट्राई किया तो पता चला कि एलिजिबल नहीं हो गया, द सेम रीज़न। ठीक है, आप भी कमेंट कर रहे थे कि मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में, मैं क्या करूं, क्या रीज़न है, मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। जिन लोगों का इन लिस्ट में नाम नहीं है ना, उनका आगे होगा, मतलब वो प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे और स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पा रहे हैं और उनका नाम उस लिस्ट में नहीं, इस लिस्ट में नहीं है। तो पता नहीं CET सेल, स्टेट CET सेल क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। एक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि इन स्टूडेंट्स पे, वैसे तो फिर ये गलत ही हुआ है इन स्टूडेंट्स के साथ। अगर ये एलिजिबल नहीं थे तो जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो स्टूडेंट्स का स्कोर इससे कम था, ओपन कैंडिडेट थे, तो उनका हो ही नहीं रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, आगे नहीं जा रहा था, सक्सेसफुली उन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। लेकिन इन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ क्योंकि उन्होंने EWS से किया। तो अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हो, वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को अपलोड कर लेते हो, और जहाँ पे अभी एकदम ये है कि अभी उनको प्रेफरेंसेस डालना है एंड देन यू से कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो ये स्टूडेंट्स मतलब बहुत डिस्करेज हुए, डिसअपॉइंट हुए। एंड मैं तो CET सेल से इस रीज़न से काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ कि आप आइन मौके पे आके बोलते हो कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं है। अरे ये क्या है, और इतने 91 स्टूडेंट्स ही नहीं, इनके अलावा जिन स्टूडेंट्स को इन्होंने इस लिस्ट में याद, इस लिस्ट में नाम नहीं लिया है, वो स्टूडेंट्स भी उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका PCB स्कोर 45 के ऊपर है, परसेंटाइल स्कोर 50% से ऊपर है, 91% वाले स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप में, उनका भी नॉट एलिजिबल बता रहे हैं जब वो प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हैं। तो ये ग्लिच क्या है, ये मिस्टेक क्या है, ये गलती क्या है, ये CET सेल ने जल्दी रिजॉल्व करनी चाहिए, या फिर उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दो कि ये हमारे से गलती हुई है या फिर ये कुछ हुआ है। ये लोग ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये एलिजिबल नहीं है, तो अगर वो एलिजिबल नहीं है तो जिन लोगों का यहाँ पे नाम नहीं है और उनको भी एलिजिबल नहीं बता रहे हैं कि PCB स्कोर चेक करो, तो वो क्या है। और हालांकि उन लोगों का PCB स्कोर सही है, वहाँ से वो एलिजिबल होते हैं। अब कुछ पेरेंट्स ने ये कहा है कि ब्राउचर में ये EWS मेंशन नहीं किया है PCB स्कोर का, हालांकि जो परसेंटाइल स्कोर है वहाँ पे EWS मेंशन किया गया है ओपन के साथ, ठीक है, वो वहाँ पे मेंशन नहीं किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन CET सेल से ये है, या फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर या वो सच में एलिजिबल नहीं थे ना ये 91 स्टूडेंट्स, तो उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली क्यों करवाया, क्यों एक्सेप्ट कराया, वहीं पे वो एक्सेप्ट नहीं होता, वहीं से वो फिर कुछ और कोर्स के बारे में सोचते और कुछ और कोर्स में एडमिशन ले लेते, यहाँ पे उनका साल बर्बाद हुआ। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, या फिर दिस शुड बी, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल सकते कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो, फिर आपने उनका रजिस्ट्रेशन क्यों लिया, क्यों उनके रजिस्ट्रेशन, मतलब उनकी जो उम्मीदें थे क्यों आपने उनको पॉजिटिव में टर्न किया, और अभी जब टाइम आया है प्रेफरेंस फिल करने का तो एवरीथिंग इज़ गोइंग नेगेटिव ऑन देम, फॉर देम।
एंड सेकेंड थिंग कि जो एलिजिबल भी है वो भी नॉट एलिजिबल बताया जा रहा है. तो अगर सीईटी सेल से कोई देख रहा है तो मुझे लगता है कि देखेगा, और नहीं देख रहा है तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी हमारे जो भी सीईटी सेल से ऑफिसर्स हैं, कोई भी सीईटी सेल से जो भी स्टाफ से, उन तक ये चीज़ जाए और ये चीज़ जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो. क्योंकि स्टूडेंट्स ने मेल्स भी किए हैं, कॉल के तो आप आंसर देते नहीं हो, टेक्निकल जो हेल्पलाइन है वहाँ पे आंसर मिलता है, और जो दूसरी हेल्पलाइन है सीईटी सेल की वहाँ पे 10 बार कॉल करने के बाद आंसर मिलता है स्टूडेंट्स को. तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स वरीड है एडमिशन को लेके. ऑलरेडी 21st आपने डेट दी थी, आज 22nd है और 21st के काफ़ी लेट आपने सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया और ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया. हालांकि वी वेयर रेडी फॉर दैट, बट फाइनल लिस्ट भी नहीं आई है. और ये भी जब आपने रिलीज़ किया है तो कुछ स्टूडेंट्स को इसके ऊपर डाउट है कि कहाँ से फिल करें, कैसे फिल करें. आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है. तो आज 22nd है, अगर इस टाइम पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11:15 बज रहे हैं सुबह के 22nd अगस्त, शाम तक अगर आ जाती है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो ठीक है. अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू सीईटी सेल, हमारी तरफ से ये जल्दी कर लीजिए. क्योंकि और दूसरी चीज़, जो सीट मैट्रिक्स में आपने कुछ कॉलेजेस ऐड किए हैं, कुछ नए ऐड किए हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा क्लियर करिए कि क्या है, कि आने आगे जाके वो ऐड हो गए या नहीं ऐड हो गए, या फिर उनको अप्रूवल नहीं मिला है. क्योंकि ये हमें पता है कि बीच में राउंड्स में कुछ कॉलेजेस ऐड होते रहते हैं, उनको जिन जिनको अप्रूवल मिलता है वो कॉलेजेस आगे जाके ऐड किए जा सकते हैं. बट आपने ब्राउचर में 163 कॉलेजेस दिए और यहाँ पर आप 117 दे रहे हो. उस कॉलेजेस को अगर हम देखें 116, उसमें ब्राउचर में भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बंद है, फिर भी वो ब्राउचर में है, तो ये तो फिर गलत हो रहा है. और अगर फिर हम जैसे कुछ है जो गाइड करते हैं कि हाँ ये कॉलेज बंद है, ये शुरू है, तो हमको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेट आती है, सब कुछ देखना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे ख्याल किया जाए, जो नोटिफिकेशन है सीईटी स्टेट सीईटी वेबसाइट पे वो ठीक से हो. सो यही मेरे रिक्वेस्ट है सीईटी सेल से, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस कि शेयर करो ताकि वहाँ तक जाए, एंड स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम है वो उन तक जाए. उनके तरफ कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, वो एक ही टीम है या फिर सीईटी सेल जो ऑफिस है वो एक ऑफिस है, और इतने सारे स्टूडेंट्स के कॉल जाते हैं. तो आई एग्री, अभी हमें भी वही है कि कॉल बुकिंग आती है तो इतने सारे आते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है. बट स्टिल एटलीस्ट कुछ अगर कॉल के थ्रू नहीं है तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन जारी करिए, कोई नोटिस जारी करिए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाए कि क्या है क्या नहीं है, कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्या वो कॉलेजेस डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं. सेकेंड थिंग, जो स्टूडेंट्स का नॉट एलिजिबल लिस्ट में नाम नहीं है उन लोगों को भी आप एलिजिबल नहीं बोल रहे हो, पीसीबी स्कोर चेक करने के लिए बोल रहे हो, तो वो क्या रीज़न है, उनके मेल्स का रिप्लाई करो, नहीं तो आप ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ करो और वहाँ पर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आंसर करो. इस वीडियो का बनाने का यही मकसद है कि स्टूडेंट्स को बोले, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल है और फिर भी नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं, तो आप अकेले ही नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सेम प्रोसेस हो रहे हैं या फिर सेम प्रॉब्लम हो रहा है. जब तक ये वीडियो आएगा, अपलोड होगा, या फिर जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उस टाइम पर ये रिजॉल्व हुआ है तो अच्छी बात है, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो ये वीडियो should go to the officials and no hate or nothing. हम एक humbly request कर रहे हैं हमारे सारे staff से या फिर authority से, cap authority से, कि please ये problem students को हो रहे हैं इसको resolve करो, please इस चीज़ों को थोड़ा clarity दो इन doubts में, इन points में, ताकि students confused ना हो. और जैसे जो भी सीन अभी क्रिएट हो रहा है तो कुछ अंदाज़ा है कि शायद प्रेफरेंस एक्सटेंड हो, तो वो भी एक क्लियर कर लीजिए. क्योंकि अभी स्टार्ट लेट हुआ है तो क्या ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, तो वो भी प्लीज़ ज़रा क्लियर कर दीजिए. ये चीज़ें हम एज अ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीईटी सेल को ये रिक्वेस्ट करता हूँ. एंड अगर वहाँ तक कोई देख रहा है तो प्लीज़ रिजॉल्व दिस थिंग.
सो इस वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स आई वुड से यू कि ठीक है, यहाँ पर अगर आप नॉट एलिजिबल बता रहे हो पीसीबी स्कोर से तो आगे नहीं होगा। और आपका क्वेश्चन है कि क्या मैनेजमेंट के थ्रू होगा, तो नहीं, मैनेजमेंट में भी यही क्वेश्चन रेज होगा कि आपका पीसीबी स्कोर नहीं है उतना तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो 44.67 है फिर भी नॉट एलिजिबल है, तो एक एक मार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक परसेंटेज पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई 2024 में अप्लाई करना चाहता है, वो स्टूडेंट यह वीडियो देख रहा है, तो अच्छे से स्टडी करो ताकि पीसीबी जो ग्रुप है आपका वो अच्छे से आप एलिजिबल हो जाओ एंड ऐसे प्रॉब्लम्स आपको ना आए। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में किसी और अच्छे अपडेट के साथ। टिल देन शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।